अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो उसके साथ ये हरकत बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो। तो अगर आपने कभी अनजाने में माइक्रोवेव को ऑन करके उसके अंदर अंगूर को रख दिया तो उस माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर आपके घर में बिल्ली ने किसी जगह पर सूसूगी और आपने उस जगह को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर देखा तो वो जगह आपको चमकती नजर आएगी, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कैट के यूरिन में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर वो ग्लो करने लगता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारे इंडिया का नाम है वो इंडस रिवर के नाम पे रखा गया है, ठीक वैसे ही जो ब्राजील देश है उसका नाम एक पेड़ के नाम पे रखा गया है और उस पेड़ का नाम है ब्राजील वुड ट्री। इस दुनिया में जो टॉयज की इंडस्ट्री है वो पूरे 130 बिलियन डॉलर्स की है और हैरानी की बात तो ये है कि जितने भी टॉयज बनते हैं उसमें से 70% टॉयज को चाइना में बनाया जाता है। ये जो फाउंटेन आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे ट्रेवी फाउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि इटली में मौजूद है। लेकिन इस फाउंटेन की जो खासियत है उसे जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तब कुछ ना कुछ कॉइन्स इस फाउंटेन में डालकर जाते हैं और इसी के चलते इस फाउंटेन में हर रोज 2.5 लाख रुपयों से ज्यादा पैसे जमा होते हैं और एक साल में करीब 11 करोड़ रुपए इस फाउंटेन से जमा होते हैं। और खास बात तो ये है कि ये सारे पैसे एक कैथोलिक चैरिटी को डोनेट किए जाते हैं। चाइना में पेड़ों को गले लगाना मना है और उसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हो तो अब चाइना में पेड़ों को गले लगाना इसीलिए मना है क्योंकि चाइना के इंपीरियल गार्डन के बाहर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आकर पेड़ों को गले लगाते थे, जिसकी वजह से चाइना में काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज बढ़ गई थी और इसी को रोकने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। आज मैं आपको एक ऐसे फीमेल के बारे में बताऊंगा जो कि लिटरली हम इंसानों का खून चूसती है, एंड वो फीमेल कोई और नहीं बल्कि एक फीमेल मॉस्किटो होती है, क्योंकि मेल मॉस्किटोस तो सिर्फ फूलों के नेक्टर पे जिंदा रहते हैं। क्या आपको पता है कि जो व्हाइट कलर होता है उसे सबसे सेफेस्ट कलर माना जाता है कार्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर रोड्स ब्लैक कलर के होते हैं और इसी की वजह से ब्लैक कार्स के मुकाबले व्हाइट कलर के जो कार्स होते हैं उनके 12% चांसेस कम हो जाते हैं एक्सीडेंट होने से। अब आते हैं एक फनी फैक्ट पर। तो जो सुअर होते हैं वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं देख सकते। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर आप ऑन एन एवरेज 75 साल तक जीते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी के 25 साल तो सिर्फ सोने में ही बिता दिए हैं। खत्म।